आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने जनपद मैनपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बृहस्पतिवार को जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करती हुई पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि जनपद मैनपुरी में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और मैनपुरी जनपद के अध्यक्ष सरिता शाक्य के विरुद्ध दूसरे गुट के इशारे पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में रोष है। मुकदमे को झूठा और निराधार बताते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की मांग उठाई। हमारी जो मेन मांग है, जो हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाक्य जी है, मैनपुरी जिला के जिलाध्यक्ष भी है, उनके खिलाफ जो दलाल संगठन है उन्होंने मिलके और जो फर्जी मुकदमा सरकार ने करवाया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। 3 दिन वो जेल में रह के गई हैं, इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों में बहुत रोष है। और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस ने हमारी आंगनबाड़ी बहनें उनसे दवाई वाई पहुँचाने के लिए अंदर गई थी, उनके पास उनके पति भी गए थे, उन्हें भी बैठा लिया और आंगनबाड़ियों पर जो लात घूसे बरसाए हैं, और जो ये विदेश कुमार त्यागी और दूसरे सुनील कुमार ये हैं, इन लोगों ने जो पुलिस ने बदतमीजी करी है हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, गालियां बकी है, लात घूसे बरसाए उनके ऊपर, इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। इन बातों को लेकर, दोनों मांगों को लेकर आज हमारा ये कार्यक्रम प्रदेश व्यापी। इस मौके पर विमलेश कुमारी, संगीता, कविता, अनीता, हेमलता, लाजवंती, सुषमा आदि मौजूद रहीं।